थाना नगरनार धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट अवैध रूप से गांजा परिवहन करते आरोपी चढ़ा नगरनार पुलिस के हत्थे। दूसरे राज्य गांजा तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 3.5 किलो गांजा कीमती 35,000 रुपया किया गया जब्त। खबर विस्तार से आपको बता दें, जहां आरोपी सीताराम जोशी पिता बालकिशन उम्र 52 वर्ष निवासी चंदन नगर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। संक्षिप्त में आपको बताते चलें कि जिले के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता पाल के दिशा निर्देश व नगर पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन में थाना नगर नार सीमा से लगे उड़ीसा प्रांत से होने वाले अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन रोकने और प्रभावी कार्यवाही को निर्देशित किया। इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना नगर नार से कार्यवाही की और एक टीम गठित किया गया। पतासाजी के दौरान टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उड़ीसा से जगदलपुर की ओर आ रही एक यात्री बस में एक संदिग्ध व्यक्ति सवार है, जो अपने पास रखे बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा प्रांत से जगदलपुर की ओर यात्री बस में आ रहा है। जहां सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल घेराबंदी कर कार्यवाही किया और व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ निम्न धाराएं लगाई गई। वहीं आपको बता दें कि बरामद हुई गांजे की कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही उस व्यक्ति के पास नगद में जो रकम बरामद हुई वह 2,650 रुपए बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपना पता भी बताया। संवाददाता सुखनाथ नाग।